नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्ष द्विवेदी और मैं आपको स्वागत करता हूं इस वीडियो में। बात करनी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। अभी अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की। कहा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स आएंगे स्कूल और हायर एजुकेशन सिस्टम्स में। बहुत सारी जगह पे आपने इससे रिलेटेड वीडियोस देख ली होंगी। जब मैंने पूरी इस पॉलिसी को पढ़ा, मुझे समझ में आया कि मैं इस पॉलिसी को एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से एक वीडियो में नहीं बना सकता, इसलिए ऑब्वियसली मैं दो वीडियोस में इसको कवर करूंगा। दूसरी चीज मेरे दिमाग में ये आई कि पहले तो मैं पीपीटी बनाने लगा, मैंने सोचा पीपीटी बना के समझाता हूँ। फिर मैंने देखा कि ये जो पॉलिसी है बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई हैं और जो चीजें बताई गई हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बॉडीज बाद में बनेंगी। तो पूरी तरीके से समझाने के लिए मैंने एक काम किया कि जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की रिलीज थी उसी को आपके सामने रख दिया है और उसी से आपको समझा रहा हूँ। चूंकि ये गवर्नमेंट की रिलीज है, लोगों के लिए है, तो इसको हम लोग सीधे सीधे भी देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि आपको अपने नोट्स में क्या क्या इनकॉर्पोरेट करना है, कितना आपको इसमें से नोट्स बनाना है, कितना नहीं बनाना है। जो नोट्स बनाने हैं उसमें सबसे पहले तो ये जो ब्लैक बोर्ड में चीजें लिख रखी है इनको आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जो जो भी मैं अभी आपको बोल रहा हूं इसके आगे ही मैं समझाने वाला हूं, अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप नोट्स में क्या क्या लिख लो। तो ध्यान से देखो, न्यू पॉलिसी एम्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विद 100% GER इन स्कूल एजुकेशन बाई 2030। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है ये मैंने सुबह एडिटोरियल में बताया था, आगे इस वीडियो में बताऊंगा। फिर NEP 2020 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को मेन स्ट्रीम में लेके आएगा, इसे भी आप नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। करिकुलम का जो पैटर्न है वो है 5+3+3+4, जिसमें आपको नजर आ रहा है टोटल 15 साल है, जिसमें 12 साल की स्कूलिंग और 3 साल का आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग है। प्री स्कूलिंग होती है ना यूएसए में, और कभी यूके या यूएस के शोज देखे हो तो वहां पे किंडरगार्टन बोलते हैं, 2 से 6 साल या 200 साल के बच्चों के लिए किंडरगार्टन खुलता है यूएस में, कुछ उस तरीके का यहाँ पे 3 साल की प्री स्कूलिंग है या फिर आंगनवाड़ी स्कूलिंग कह लीजिए अगर वो रूरल इलाके में हो रही हो तो। फिर अगला, यहाँ पे आपको 3 अलग अलग पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। पहला है एम्फेसिस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये कैसे अप्लाई होगा आगे देखेंगे। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम्स, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर वोकेशनल स्ट्रीम्स इन स्कूल, तो एक ये हो गया। और तीसरा, वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विद इंटर्नशिप, इसको भी आगे देखेंगे। फिर ग्रेड 5 तक की पढ़ाई आपकी मदर टंग रीजनल लैंग्वेज जिसमें होगी। अब जब भी यहां पर ग्रेड की बात आएगी, ग्रेड को आपको इस तरीके समझना है कि देखिए 3 साल से बच्चे की पढ़ाई शुरू होगी, तो 3 साल से लेकर 8 साल तक के पीरियड को आप इस 5वें मान सकते हो। तो तीसरे साल में जब उस बच्चे की पहली पढ़ाई शुरू होगी तो होगा ग्रेड 1, और फिर ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 3 बढ़ता चला जाएगा। ओके, फिर जो असेसमेंट किया जाएगा उस असेसमेंट को करने में भी रिफॉर्म्स लाया जाएगा। तो 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड लेके आएंगे जिससे स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाएगा लर्निंग आउटकम्स के हिसाब से। आगे हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% किया जाएगा बाई 2035, 3.5 करोड़ सीट्स जोड़ी जाएंगी हायर एजुकेशन में। आगे हायर एजुकेशन के करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स होगा, ये भी अभी आगे बताऊंगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शंस होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पूरा कोर्स ये है, इसको कई सारे पूरा हायर एजुकेशन को अगर आप इन भागों में बांट दो तो 1, 2, 3, 4, 5, मान लीजिए हायर एजुकेशन में 5 स्टेजेस हैं, तो पहले स्टेज में अगर आप घुसे तो तीसरे स्टेज में बाहर निकल सकते हो, या आप मान लीजिए दूसरे स्टेज में घुसते तो आप 5वें स्टेज में बाहर निकल सकते हो। तो एंट्री के पॉइंट्स भी ज्यादा होंगे, एग्जिट के पॉइंट्स भी ज्यादा होंगे। जो भी आपकी पढ़ाई में आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके लिए आपको क्रेडिट दिए जाएंगे और उन क्रेडिट को आप ट्रांसफर कर सकते हो किसी और स्ट्रीम में और किसी भी जगह पे उनको यूटिलाइज भी कर सकते हो। अब ये ट्रांसफर कैसे होंगे, यूटिलाइज कैसे होंगे, ये तो जब एग्जैक्ट सिस्टम हमारे सामने अप्लाई होके आएगा तब आपको पता चलेगा। रिसर्च कल्चर को प्रमोट करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की गई है। देखिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बहुत जरूरी है हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेस करना, और टेक्नोलॉजी को प्रोग्रेस करने के लिए रिसर्च फाउंडेशन चाहिए ही चाहिए। हायर एजुकेशन को कि लाइट रेगुलेशन होगा बट टाइट रेगुलेशन होगा, तो एक सिंगल रेगुलेटर बनाया जाएगा जो 4 सेपरेट वर्टिकल्स के हिसाब से रेगुलेशन करेगा, जिसमें 4 अलग अलग फंक्शंस होंगे, इन फंक्शंस को भी देखेंगे। जो एफिलिएशन सिस्टम होगा, अभी के डेट में होता ना कि ये वाला जो कॉलेज है वो इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो जैसे मैंने अपनी पढ़ाई की नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि आपका बदरपुर दिल्ली में है, तो वो किससे एफिलिएटेड था, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली से। तो ये एफिलिएशन का जो प्रोसेस है कॉलेजेस का, ये एफिलिएशन के प्रोसेस को 15 साल में खत्म किया जाएगा, उसका धीरे धीरे करके कॉलेजेस को ऑटोनॉमी दी जाएगी। तो इससे कॉलेजेस अपने पर्सनल
कहते हैं ना कि आप एक कॉलेज अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, अपनी मार्केटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और अच्छे तरीके से चीजों को करेगा, ना कि वो यूनिवर्सिटी के सेट पैटर्न के हिसाब से चलेगा। फिर टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ाना, और ये भी ध्यान रखना कि टेक्नोलॉजी सबको बराबरी से अवेलेबल हो। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम को क्रिएट किया जाएगा। 2020 एनईपी क्या एम्फेसाइज करता है, जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा, स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए जाएंगे डिसएडवांटेज रीजन्स और ग्रुप्स के लिए, फिर मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा स्कूल्स में भी और हायर एजुकेशन में भी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाली पर्शियन और प्राकृत बनाया जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन भी बनाया जाएगा। ये तो हो गया बोल्ड पॉइंट्स, इनको आप सीधे सीधे अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, कहीं पे भी कोट कर सकते हो। अब हम शुरुआत करते हैं इस पॉलिसी के न्यूएंसेस को देखने में, इसकी एक एक डिटेल को देखने में। तो कल ही हमारे सामने ये न्यूज आई है कि हमारे यूनियन कैबिनेट ने इस एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूवल दे दिया है। इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो कब आई थी, वो आई थी 1986 में, उसके बाद अब आ रही है। ये जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है इसके फाउंडेशनल पिलर्स क्या है, तो एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, और जो 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना उसके हिसाब से इस पॉलिसी को बनाया गया है, ताकि 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जा सके और इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाया जा सके। हाइलाइट्स पे आते हैं। सबसे पहले स्कूल एजुकेशन की बात हो रही है इस वीडियो में, एक्चुअली में स्कूल एजुकेशन पे ही रहेंगे, अगली वीडियो में हम लोग हायर एजुकेशन पे पहुंचेंगे। तो क्या बोला जा रहा है, इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि 2030 तक जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है स्कूल में वो 100% पहुंचना चाहिए। ये तो वेरी फर्स्ट पॉइंट था। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, मतलब मान लीजिए किसी एक जगह पे 100 बच्चे हैं, ये 100 बच्चे एलिजिबल है, मैं बस आपको एक सैंपल के तौर पर समझा रहा हूं, वैसे बच्चे बहुत ज्यादा है हम सबको पता है। तो 100 बच्चे हैं, अब ये 100 बच्चे स्कूल जाने वाली एज ग्रुप में आते हैं, लेकिन एक्चुअली में बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो केवल 25 हैं। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, 25%। ये मैंने बहुत बेसिक डेफिनेशन बताई आपको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की, इसमें बहुत सी टेक्निकलिटीज भी होती हैं जिनको यहां समझने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरी है उतना बता रहा हूं। तो भाई एनईपी 2020 बताती है कि चाहे प्री स्कूल हो किंडरगार्टन वाला, चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो 10th 12th वाली, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जाएगा, इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स खोले जाएंगे ताकि जो लोग स्कूल को छोड़ के जा चुके हैं वो वापस स्कूल में आ सके, बच्चों की ट्रैकिंग होगी, उन बच्चों की भी जो पढ़ रहे हैं, जो छोड़ के जा चुके हैं उनको वापस लाने के लिए उनकी ट्रैकिंग होगी, उनके लर्निंग लेवल्स को देखा जाएगा, अलग अलग प्रकार से उनके लर्निंग लेवल्स को बढ़ाया जाएगा। तो फॉर्मल तरीकों से भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, नॉन फॉर्मल तरीकों से बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। फॉर्मल तरीके क्या होगा यहाँ पे, कि आप बच्चों को क्लासरूम में पढ़ा रहे हो। नॉन फॉर्मल तरीके क्या होगा, कि जो बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं उनको आप काउंसलर से मिलवा रहे हो, सोशल वर्कर से मिलवा रहे हो, ताकि ये काउंसलर्स और सोशल वर्कर्स उन बच्चों को समझा सके कि नहीं बच्चे आके पढ़ो। फिर 3rd, 5th, and 8th क्लास के बच्चों के लिए ओपन लर्निंग की सुविधा भी प्रोवाइड कराई जाएगी। ये NIOS क्या होता है दोस्तों, NIOS है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, ये सेंटर पे ऑपरेट करता है, उसके साथ साथ स्टेट लेवल पे भी ऑपरेट करने वाले स्कूल्स हैं ओपन स्कूल्स। ओपन स्कूल्स में क्या होता है दोस्तों, ओपन स्कूल्स में कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती है, ठीक है ना। जब आप क्लासरूम में किसी एक ऐसे स्कूल के क्लासरूम में जाके पढ़ते हो जो किसी बोर्ड के साथ एसोसिएटेड है तो वो फॉर्मल एजुकेशन हो गई। जब आप किसी ऐसे क्लासरूम में जाके पढ़ो जो किसी बोर्ड के साथ एसोसिएटेड नहीं बट आपको स्किल दे रहा है तो उसको आप बोलते हो ओपन स्कूलिंग। सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम भी चले जाएंगे, ग्रेड 10 के लिए, ग्रेड 12 के लिए बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज भी चले जाएंगे। इससे ये बोला जा रहा है कि 2 करोड़ बच्चे जो कि स्कूल से बाहर निकल गए हैं उनको स्कूल में वापस लेके आया जाएगा। फिर ये स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको, 5+3+3+4, पढ़ाई कब से शुरू हो रही है, 3 साल से। तो पहले 3 से 8 साल का ब्रैकेट में ये 5 आ गया, 8 से 11 के ब्रैकेट में ये 3 आ गया, 11 से 14 में ये 3 आ गया, 14 से 18 में ये 4 आ गया। तो अभी भी 12वीं कक्षा तक कंप्लीट करने में एक बच्चे को 18 साल तो लगी जाते हैं, कुछ ऐसा ही अभी होगा। लेकिन अभी के लिए क्या होता है दोस्तों कि पढ़ाई 6 साल पे शुरू होती है, अब ये बोला जा रहा है कि 3 साल से ही बच्चे की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये जो 3 से 6 साल का जो टाइम पीरियड था जिसमें बच्चा फॉर्मल एजुकेशन नहीं कर रहा था, अब उसे एजुकेशन में लाया जाएगा ताकि शुरुआत से ही उसका मेंटल डेवलपमेंट हो सके। और ये बोला जाएगा कि खासकर ये जो 3 से 6 साल की पढ़ाई है, जो पहले 3 से 8 की पढ़ाई है एक्चुअली, ये एक रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए, उसके बारे में भी शायद अभी आगे बात होगी, ठीक है दोस्तों। तो 3 ईयर्स की स्कूलिंग हो गई जिसमें 3 ईयर्स आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग, मतलब
जब बच्चा 3 से लेके 6 साल का है तो वो बोला जाएगा यूएस यूके का किंडरगार्टन, और यहां पे उसे क्या बोला जाएगा, आंगनवाड़ी अगर वो गांव के इलाके में, प्री स्कूलिंग अगर वो शहर के इलाके में। फिर आगे एनसीईआरटी का यहां मेजर रोल होगा, भाई एनसीईआरटी का तो एजुकेशन में हमेशा से रोल है, जो किताबें आपको मैं पढ़ाता हूं एनसीईआरटी बनाई हुई है। ये डेवलप करेगा नेशनल करिकुलर एंड पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यहां पे जो की वर्ड है वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसको बोला जाता है ECCE। ECCE को कैसे दिया जाएगा, ECCE को दिया जाएगा उन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू जिनको प्रॉपर तरीके से स्ट्रेंथन किया गया है, ताकि वो अर्ली चाइल्डहुड, मतलब जो बच्चे अपने अर्ली स्टेज ऑफ एजुकेशन में है उनको पढ़ा सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, ये वो स्कूल है जहां बच्चे 3 से 6 साल की उम्र में जाके पढ़ेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, जो आंगनवाड़ी में वर्कर्स काम करती हैं, जो टीचर्स काम करते हैं प्री स्कूल वाले स्कूलों में, वहां के टीचर्स को भाई आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ये जो ECCE वाला मुद्दा है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ECCE के इंप्लीमेंटेशन में 3 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, HRD मिनिस्ट्री, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइबल अफेयर्स क्यों, क्योंकि ये चीज आपके ट्राइबल इलाके में भी इंप्लीमेंट की जाएगी, तो वहां पे ट्राइबल मिनिस्ट्री का इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो ECCE पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। आगे चलते हैं भाई, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी को बढ़ाया जाएगा। अभी के डेट में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी भैया फाउंडेशन ही हिले हुए हैं, मैथ्स के बेसिक्स ही हिले हुए हैं, पढ़ाई के बेसिक्स हिले हुए हैं, साइंस के बेसिक्स हिले हुए हैं। तो भाई उनको बेसिक सिखाने, बेसिक सिखाने के लिए क्या सेट किया जाएगा, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। देखिए दोस्तों, यहां पे इस पूरी पढ़ाई में आपके सामने ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स आएंगे और ऐसी बहुत सी पॉलिसीज आएंगी जो कि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बनाई जाएंगी। तो अभी के लिए आपको यह समझना है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, इसके रिजल्ट्स को तो आप भूल ही जाइए, इसके इंप्लीमेंटेशन में आगे आने वाले समय में बहुत समय लगने वाला है, क्योंकि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एक होलिस्टिक तरीके से आपके सामने रखा गया है। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे वर्टिकल्स हैं, उन वर्टिकल्स के अंदर बहुत से इंस्टीट्यूट्स बनने, बहुत सी पॉलिसीज डिवाइज होनी है, तो अभी ये और इवॉल्व होगा। तो इसको इंप्लीमेंट करने में 2-3-4 साल लगने वाले हैं, इसके रिजल्ट आने में तो काफी समय लगेगा, बट जरूरत है इसकी। अभी के लिए इसको शुरुआत किया जाएगा, 5 से 10 सालों में तो रिजल्ट आने ही लगेंगे, लेकिन इस लेवल की चीज सच में काबिले तारीफ है। ये एक स्टेप जो गवर्नमेंट का है, उसमें गवर्नमेंट को हमें पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सच में बहुत जबरदस्त स्टेप है। तो नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी बनाया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। ओके, इसका प्लान क्या होगा, इसका प्लान ये होगा कि भाई हमें अटेन करना है यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल्स 3rd ग्रेड तक के बच्चों के लिए 2025 तक। साथ साथ एक नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी भी बनाई जाएगी। आगे चलते हैं, रिफॉर्म्स इन स्कूल करिकुला एंड पेडागॉजी, ये क्या बोलता है। देखिए, लर्नर्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, इसलिए उनको 21वीं शताब्दी की स्किल्स देनी पड़ेगी। 21वीं शताब्दी की स्किल्स देने के लिए करिकुलम में सिलेबस ज्यादा हो यह जरूरी नहीं है, एसेंशियल लर्निंग देना जरूरी है और बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना जरूरी है, वो चीजों को क्वेश्चन कर सके, चीजों के पीछे क्या है इस चीज को समझ सके, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंस से चीजों को सीखें। इसीलिए उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मान लीजिए उन्होंने किसी एक सब्जेक्ट को शुरू किया, उस सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते उनको लगा कि नहीं भाई इस सब्जेक्ट के साथ मैं दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहता हूं क्योंकि वहां पे मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने सब्जेक्ट्स में स्विच कर सके। आर्ट्स और साइंसेस के बीच में कोई प्रॉपर डिफ्रेंसिएशन नहीं होना चाहिए, करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, वोकेशनल और एकेडमिक के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वोकेशनल एजुकेशन को आप एकेडमिक से मिला दोगे तो एकेडमिक से आपको नॉलेज मिलेगी और वोकेशनल एजुकेशन से आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, आर्ट्स और साइंसेस को आप मिला दोगे तो ऑब्वियसली बात, अभी के लिए जो आर्ट साइड के बच्चे हैं जिनके खिलाफ ये डिस्क्रिमिनेशन होता है कि भैया इनको तो साइंस की चीजें आती नहीं, टेक्निकल आती नहीं, मैथ में ये गोबर है, उस तरीके की चीजें खत्म हो जाएंगी। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, कभी कभी जल्दी में निकल जाता है। आगे बात करते हैं, जो वोकेशनल एजुकेशन है वो 6ठी क्लास से शुरू हो जाएगी, ठीक है, और इसमें इंटर्नशिप शामिल होगी। तो जब 6ठी क्लास से आपको इंटर्नशिप मिलने लगेगी तो आप जॉब मार्केट के लिए बहुत पहले ही तैयार करने लगोगे, और एक न्यू नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन बनाया जाएगा, ये भी NCERT बनाएगा 2020-21 में।
तो आप देखिए ये भी बनाना है। तो आप समझिए इस पॉलिसी के अंदर ऐसे बहुत से और इनिशिएटिव्स दिए गए जिनको अभी बनाना बाकी है। फिर मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं, तो ये बोला गया कि मदर टंग, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा ग्रेड 5 तक, ठीक है, या फिर प्रेफरेबली ग्रेड 8 तक देना चाहिए, बट ग्रेड 5 तक तो दिया ही जाएगा, ग्रेड 8 और उसके बाद भी आप दे सकते हो। संस्कृत को हर लेवल ऑफ स्कूल में ऑप्शन के तौर पर प्रोवाइड किया जाएगा, हायर एजुकेशन में भी प्रोवाइड किया जाएगा। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की जो बेसिक्स हैं वो भी लागू होंगे यहाँ पे। क्लासिकल लैंग्वेजेस और लिटरेचर को अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उनको भी पढ़ सकता है। स्टूडेंट्स को रेगुलरली आपका ये बोला जाएगा कि वो फन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, खासकर वो फन एक्टिविटी जो लैंग्वेजेस के साथ डील करती है, जैसे कि द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत टाइप के जो इनिशिएटिव्स हैं, इसके अंदर अगर कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो उसमें बच्चों को बोला जाएगा कि आप इसमें पार्टिसिपेट करिए। सेकेंडरी लेवल की स्कूलिंग में फॉरेन लैंग्वेजेस को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इंडियन साइन लैंग्वेज को भी पूरे देश में स्टैंडर्डाइज किया जाएगा ताकि साइन के थ्रू भी लोगों को बातें करना आए, तो जो डिसेबल्ड लोग हैं जो बोल नहीं पाते हैं तो उनके लिए आसान हो जाएगा। अगर बाकी देश को भी इंडियन साइन लैंग्वेज आती है, जैसे कि आप मान लीजिए मुझे एक साइन लैंग्वेज आती है, आपको साइन लैंग्वेज आती है, हम लोग एक क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, अगर हमें साइन लैंग्वेज एक आती है तो एक ऐसा पर्सन जो बोल नहीं पाता है हम उससे बहुत आराम से बात कर पाएंगे, क्योंकि वो तो साइन से बात करते हैं ना। अब अगर उनकी साइन लैंग्वेज हमको नहीं आती तो हम उनसे बात ही नहीं कर पाएंगे इफेक्टिवली। तो इस चीज को सही करने की कोशिश की गई है। फिर ये बोला जाएगा भैया कि जो नेशनल और स्टेट करिकुलम मटेरियल है उसको कुछ इस तरीके से बताया जाएगा कि जो बच्चे सुन नहीं सकते वो आसानी से भी उसे समझ सके। फिर आगे बात की जा रही है असेसमेंट कैसे किया जाएगा, जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई हो रही है उसका असेसमेंट करना भी जरूरी है। देखिए असेसमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए जा रहे हैं। अभी के लिए क्या होता है समेटिव असेसमेंट्स होते हैं। समेटिव असेसमेंट्स में क्या होता है, पूरे साल आप पढ़ाई करोगे, छोटे मोटे टेस्ट होते हैं बीच में, लेकिन फिर आपका एग्जाम होगा एक बार में, इसको बोला था समेटिव असेसमेंट। पॉलिसी क्या बोल रही है, नहीं भाई रेगुलर असेसमेंट होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, मतलब समय समय पे, तो हो सकता है एक महीने पे या दो महीने पे या ढाई महीने पे कोई बहुत बड़ा टेस्ट हो तो इस टाइप की चीजें हो जाए। इन टेस्ट को कुछ इस तरीके से लेके आना है, कॉम्पिटेंसी बढ़े, लर्निंग और डेवलपमेंट बढ़े, अच्छी स्किल्स बच्चे सीख पाए, एनालिसिस आए, क्रिटिकल थिंकिंग आए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये टेस्ट कैसे होंगे अभी भी नहीं पता है, इनके ऊपर बातचीत करना अभी भी नहीं पता, अभी इसके ऊपर बहुत बहस चलेगी, बड़े बड़े एकेडमिशियंस बैठेंगे और बातचीत करेंगे, अभी नहीं हो रहा है, दुनिया भर के एग्जाम्पल्स देखे जाएंगे, दुनिया भर में जो एग्जाम्पल्स इंप्लीमेंट किए हैं उनके आउटकम्स देखे जाएंगे, तब ये सब चीजें डिसाइड होंगे। अभी तो आपको बस बेसिक ओवरऑल आउटलाइन बताई जा रही है कि हो गया क्या, होगा क्या, कैसे होगा, ये अभी भी डिसाइड करना बाकी है। फिर अभी के लिए जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं 10th एंड 12th के वो भी होंगे, ठीक है, लेकिन उनको रीडिजाइन किया जाएगा। प्लस बाकी जो स्कूल के एग्जाम होते हैं वो स्कूल के एग्जाम केवल ग्रेड 3, ग्रेड 5 और ग्रेड 8 के होंगे। अभी के लिए तो ये समझ में आ रहा है कि जो बड़े एग्जाम्स होंगे वो या तो 10th और 12th के होंगे या 3, 5, 8 के होंगे। उसके अलावा जो साल के एंड पे एग्जाम्स हो रहे हैं वो होंगे नहीं होंगे इस पर अभी कोई क्लैरिटी मिली नहीं है कहीं पे, सब लोग स्पेकुलेशन बोल रहे हैं। फिर नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा जिसका नाम होगा परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी होगी जिसको असेसमेंट के लिए सेटअप किया जाएगा। प्री में इस तरीके के सवाल आ सकते हैं, अपना दिमाग और आंखें खुली रखिएगा। तो परख जैसी बॉडी को आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इन फैक्ट मैं आपको बताता हूं मेंस के लिए आप परख को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, जैसा कि फिर मैंने आपको यहां पे बताया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन को आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी को कर सकते हो, नेशनल मिशन फॉर फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को कर सकते हो, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर ECCE इसको कर सकते हो। लेकिन बस एक लाइन में लिखना, पूरी कहानी मत लिखने बैठ जाना, नोट्स के साथ ऑब्सेस मत होइए, नोट्स ऐसे लिखिए कि जल्दी जल्दी लिख के आगे बढ़ो, तो एक घंटा आपको जो पढ़ने में लगा उसके नोट्स आपको हार्डली 5 मिनट में लिख लेने हैं, इससे ज्यादा समय नहीं लगाना है। नोट्स के साथ अपने आप को ऑब्सेस मत कर लीजिएगा, कुछ मिलेगा नहीं कोथे भर भर के किताबों में, कुछ काम नहीं आएंगे जब रिविजन टाइम आएगा। नोट्स मतलब एकदम शॉर्ट चीज, दो एक कॉपी जो आप एक दिन में रिवाइज कर सको, नोट्स का मतलब पोथा नहीं होता है। आगे चलते हैं, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। भैया इक्विटेबल करना है एजुकेशन को ताकि किसी भी बच्चे के पास से ये अपॉर्चुनिटी ना चली जाए। कुछ लोग गरीब घरों में पैदा होते हैं, बर्थ से डिसेबल होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। कुछ लोग अपने बैकग्राउंड के चलते, चाहे गरीबी की वजह से, चाहे सोशल बैकग्राउंड के चलते, कास्ट लोअर कास्ट में होने की वजह से उनको पढ़ाई नहीं मिल पाती है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट को।
इसीलिए भाई जरूरी है कि स्पेशल एम्फेसिस देना है सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शंस को। तो भाई देखिए, जेंडर बेसिस पे पढ़ाई में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसलिए जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा। सोशल बेसिस पे ये एक्सक्लूजन ना हो तो भाई इसके लिए भी एक ये जो जेंडर इंक्लूजन फंड है इसमें पैसा एलोकेट किया जाएगा। कहा जाएगा सोशल फंड भी बनाया जाएगा। स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए जाएंगे। ये स्पेशल एजुकेशन जोन्स उन रीजन्स पे काम करेंगे जो डिसएडवांटेज है या उन ग्रुप्स पे काम करेंगे जो डिसएडवांटेज है। तो हो सकता है कि एक कास्ट का जो कि सो कॉल्ड डिप्रेस्ड कास्ट में आती है उसका अपना एक स्पेशल एजुकेशन जोन बन जाए। ठीक है, तो कोई भी बच्चा जो उस कास्ट का है वो वहां पे जाके पढ़ सकता है। अब कास्ट बेस बनेगा नहीं, मैं बस आपको एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है, तो जेंडर इंक्लूजन फंड में अगर लेडीज को बच्चों को बच्चियों को नहीं मिल पा रहा है पढ़ने को तो इससे पैसा निकल जाएगा। स्पेशल एजुकेशन जोन्स में हम मान लीजिए कोई ट्राइबल इलाका है, कोई जंगली इलाका है, वहां पे कोई स्कूल है ही नहीं, तो उस जोन के अंदर स्कूल बनाए जाएंगे, वहां पे ट्राइबल बच्चे जाके पढ़ सकते हैं। समझ गए आप? इस तरीके की चीजें होंगी। फिर जो एजुकेटर्स होंगे जो इनको पढ़ाए होंगे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। रिसोर्स सेंटर्स होंगे जहां पे बच्चे जाके पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं। इनको प्रॉपर डिवाइसेस, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि इनकी हर जरूरत पूरी हो सके। हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में बाल भवन बनाए जाएंगे जो कि डे टाइम बोर्डिंग स्कूल होंगे, यानी दिन में इन बाल भवन में जाके बच्चे रह के पढ़ सकते हैं, शाम को अपने घर लौट जाएंगे। तो इन बाल भवन में आर्ट का भी काम हो सकता है, कैरियर से रिलेटेड बातें हो सकती हैं, प्ले खेल सकते हैं आपस में जिनसे इनका नॉलेज एनहांसमेंट होगा, एक दूसरे के साथ बात करेंगे तो सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, फिर फाइनली आते हैं रोबस्ट टीचर रिक्रूटमेंट एंड कैरियर पाथ पे। टीचर का रिक्रूटमेंट रोबस्ट और ट्रांसपेरेंट तरीके से होता, प्रमोशन मेरिट बेस्ड होंगे। ठीक है, फिर पीरियोडिक परफॉर्मेंस अप्रेजल होंगे टीचर्स के, ओके, और एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स बनाया जाएगा। किसके द्वारा? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा। किसके साथ बातचीत करके? एनसीईआरटी, एससीईआरटी, टीचर्स और एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात करके। तो देखिए, एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर बनाएगा। बनाएगा कौन? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। किसके साथ मिलके? एनसीईआरटी, एससीईआरटी, टीचर्स और एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके। कब तक? 2022 तक। तो सोचिए, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर बनने में अभी 2 साल लगने वाले, तो आप समझ रहे हो ना, दिस पॉलिसी इज अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी, इसको शॉर्ट टर्म में मत देखिएगा। स्कूल गवर्नेंस की बात की जाए तो गवर्नेंस के लिए कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे, क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। एक कॉम्प्लेक्स और एक क्लस्टर्स में बहुत सारे स्कूल्स हो सकते हैं जिनका गवर्नेंस होगा, और ऑब्वियसली बात है उनको रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाएंगे जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक लाइब्रेरीज। आगे स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रेडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन। भैया, प्रॉपर सिस्टम्स बनाए जाएंगे पॉलिसी मेकिंग के थ्रू, रेगुलेशन के थ्रू, ऑपरेशंस और एकेडमिक मैटर्स में। हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाएगा। ऑब्वियसली बात है, इस अथॉरिटी में बाकी जगहों पे जो अथॉरिटीज बन रही है उससे गुड प्रैक्टिसेस को लिया जाएगा, सेंटर से इनपुट्स लिए जाएंगे। फिर होगा क्या, ये स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटीज कुछ पैमाने डिसाइड करेंगे, कुछ बेसिक पॉइंट्स डिसाइड करेंगे, और उस बेसिक पॉइंट के बेसिस पे एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ये बताएगा कि कैसे हम अपने रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। अभी के लिए दोस्तों क्या हो रहा है कि जो यूनिवर्सिटीज होती हैं या जो स्कूल होते हैं वो किसी से एफिलिएशन लेते हैं, तो स्कूल ने सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएशन लिया, या फिर तमिलनाडु बोर्ड से, मतलब जो स्टेट के लेवल के स्कूल्स होते हैं तमिलनाडु बोर्ड से एफिलिएशन लेते हैं, उत्तर प्रदेश के स्कूल उत्तर प्रदेश बोर्ड से एफिलिएशन लेंगे। तो अब क्या किया जाएगा कि हर स्टेट में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनेगा। वो स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बहुत एनालिसिस के बाद कुछ पैमाने बनाएगा, उस पैमाने के हिसाब से स्कूल ये बताएंगे कि देखिए इस स्कूल ने ये जो बेसिक पॉइंट्स दिए हैं हमने उन पॉइंट्स को माना है। हालांकि स्कूल एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, उन पॉइंट्स को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, उनको अकाउंटेबल बनाया जाएगा पब्लिक ओवरसाइट के थ्रू। ये जो एससीईआरटी है, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये बनाएगा स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क, स्कूल में जितने भी मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत करके। यहां पे दोस्तों ये बात हुई तो स्कूल एजुकेशन की, आगे बात करेंगे हम लोग हायर एजुकेशन की, जो कि अगली वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो बनाने का मतलब नहीं बहुत लंबी हो जाएगी, इस वीडियो पे अगर अच्छे व्यूज आते हैं, 1000 से ज्यादा व्यूज आए तो वीडियो बना दूंगा अगली, नहीं तो क्या मतलब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।